व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द शो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान को कोई आंख नहीं दिखा सकता, और इसके अंदर आज जो कन्वर्सेशन होगी वो भी मेजर गोरारे सर की और आरजू काजमी मैम की। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। इसी कैसे फेल हो गई भाई? हमारी पॉलिसी ये थोड़ा ना है कि पाकिस्तान में किसी भूखे के पास खाना ना हो। हमारा पाकिस्तान को लेकर फॉरेन पॉलिसी अब आरजू जी हमारी बड़ी सिंपल है। आपने मोदी जी को नाम लेते हुए देखा पाकिस्तान का? कभी नहीं लेते, नहीं लेते। पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट नाउ ऑन द इंडियन पॉलिसी रोड मैप। हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। अभी एससीओ का समिट हो रहा है, वहां पे जाके बैठेंगे। तो ये पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि हिंदुओं ने और यहूदियों ने मिलकर साजिश करी। साजिश उसके साथ करो जिसके पास कुछ तो हो। मैं क्यों साजिश करूंगा पाकिस्तान के खिलाफ? भारत क्यों करेगा साजिश? आप बताइए हमें क्या मिल जाएगा साजिश करके? मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते, लेकिन पीपी 15 से निकल गया ना चाइना। 12 तारीख को घंटी बजने वाली है चाइना की। मोदी जी बिल्कुल, मोदी जी ने टाइट करके रखा है मामला बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए तो कहते थे घुस के मारेंगे, लेकिन चाइना के लिए तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि घुस के मारेंगे। चाइना का तो नाम ही नहीं लेते, खुद निकल गया ना चाइना। घुस के क्यों मारना बेचारों को जब खुद ही वहां से भाग गए? क्यों करना किसी को? जो कह रहा है कि खुद हाथ जोड़ के बोल रहा है कि साहब गलती हो गई, हम जा रहे हैं, हम एलएसी पे हैं, हम जा रहे हैं, एलएसी से वापस जा रहे हैं, ठीक है चले जाओ। ठीक है, रहम भी कुछ चीज होती है आरजू जी, ऐसा कि बिल्कुल कसाई बन जाएंगे हम। ये बोलो ठीक है जाओ। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेजर साहब आपके ख्याल से? जो जो इंडिया दिखा रहा है, पैसे हैं हमारे पास, हमारा रुतबा है। इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वी विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ। और सिर्फ हमें हमारे ऊपर अभिमान नहीं है, हमें घमंड है अपने ऊपर। वी हैव गुरूर जिसको कहते हैं, गुरूर क्यों ना हो। अरे आरजू जी, एक बार आप इंडियन पासपोर्ट लेके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई। देयर इज दिस डीप सेंस ऑफ प्राइड। क्या कर लेगा चाइना, बताइए क्या कर लेगा? ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? चलिए छोड़िए मजाक, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कर लेगा चाइना हमारा? कर क्या लेगा चाइना? करके देख लिया उसने, करके देख लिया, आ जाओ दोबारा, आ जाओ दोबारा, आ जाओ, आ जाओ, देख लेंगे। लेकिन अपने अपने दुश्मन को कमजोर तो कभी नहीं समझना चाहिए। ये मतलब आप फौजी हो कि इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे हैरत है। लेकिन ये कि कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए सामने वाले को, क्या ख्याल है आपका? हमने कभी ये नहीं बोला कि चाइना कमजोर है, हमने बोला कि हम बहुत मजबूत हैं। मैंने कभी, आप बताइए, मैंने कभी बोला चाइना कमजोर है? मैंने नहीं बोला। आप मेरे घर में आके मुझसे नहीं लड़ सकते, और आपके घर में आने का इच्छुक मैं हूं नहीं। हम चाइना के अंदर घुसने के इच्छुक नहीं है। आपका, मैं आपको इतिहास थोड़ा सा बता देता हूं, तारीख के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं अर्जुन जी। देखिए सिंपल सी बात है, रूस, ये जो अफगानिस्तान वाले ऐसी बोलते हैं कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, है ना, कहते हैं कि कोई भी अफगानिस्तान से जीत नहीं पाया, ये बात गलत है। महाराजा रंजीत सिंह ने खड़काया था अफगानिस्तान को, खैर दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अमेरिका भी वियतनाम में नहीं जीत पाया, कोरिया में नहीं जीत पाया, राइट? चाइना क्यों अपने ट्रूप्स नहीं भेजता कहीं पे, जैसे अमेरिका हर जगह भेजता है ना? चाइना को बोलो ना अफगानिस्तान में ट्रूप्स भेजे, वाखान कॉरिडोर के थ्रू तो उनका बॉर्डर भी है चाइना और अफगानिस्तान का, भेजो वहां पे। नहीं भेजेगा चाइना, उसको पता है। हम लोग गए थे श्रीलंका ऑपरेशन पवन में, हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। आप किसी के घर में जाके आप खड़का नहीं सकते उसको, जो जिसका घर होता है वही। ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है। और दूसरी चीज है, मॉरली वी आर राइट, चाइना को कोई पसंद नहीं करता अर्जुन जी। चाइना हैज नो फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, चेकबुक से लेके खरीद रखा है लोगों को, वो अलग बात है, लेकिन चाइना के कोई दोस्त नहीं है। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आपने बोला कि अमेरिका आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इंडिया की डिप्लोमेसी फेल होगी। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया को भी देना चाहिए, इंडिया को आगे बढ़ के एज अ पड़ोसी मदद करनी चाहिए, दवाइयां भेजें हम लोग, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज जो भी इंडिया के पास है सरप्लस में, वो इंडिया को भेजनी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तो डिप्लोमेसी चाइना को लेके तो आपने उसको भाई बना दिया था, डिप्लोमेसी के चक्कर ही नहीं था वो तो। वो तो घर वाली बात थी, सगा भाई है। सगा भाई कहाँ गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। इंडिया की डिप्लोमेसी को छोड़िए ना, सगा भाई कहाँ है आजकल? नहीं बिल्कुल, चाइना हमेशा से बिजनेस कर रहा था। मैंने तो खैर कभी नहीं कहा कि चाइना जो है वो भाई है या दोस्त है, जाहिर है वो पैसे लगाएगा और पैसे उसे वापस चाहिए होंगे। बिजनेस कर रहा था वो, या जैसे आप हमेशा कहते हैं कि उसे पैसे वापस चाहिए ही नहीं,
वो तो जमीन पे कब्जा करना चाह रहा होता है, तो बिल्कुल बहुत उस पे मैं तो 100% चाहते बिलीव रखती हूँ। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से, क्योंकि भारत से भी ट्रेड की बात हो रही है और कुछ ना कुछ शुरू किया ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सामान नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, उसके लिए जरूर बात की जाएगी। चाइना। अर्जुन जी एक बात बताइए ना, कैसे बात हो सकती है ट्रेड के बारे में जब आपके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम नहीं ट्रेड करना चाहते। तो इंडिया ने तो ना बोला कि हम ट्रेड करेंगे, ना इंडिया ने बोला हम नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कुछ बोला नहीं है इसके ऊपर। पाकिस्तान में हो रहा है कि हमें ट्रेड करनी चाहिए, फिर दूसरी पार्टी पाकिस्तान के अंदर ही कहती है हमें नहीं करनी चाहिए और हम कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तो जब तक गले नहीं कट जाएंगे और पता नहीं क्या क्या स्टोरी बनाते हैं। तो यहाँ पे इंडियन थोड़े से और कंफ्यूज होते हैं कि अरे चाह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, अरे कहना क्या चाहते हो। क्योंकि उन्हीं का मंत्री जो है, इमरान खान का मिनिस्टर, कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, फिर इमरान खान कहते हैं ट्रेड नहीं होनी चाहिए, और शहबाज शरीफ के साथ भी वही चक्कर है, कोई कहता है होनी चाहिए, फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं। जब तक वो 5 अगस्त वाला, 5 अगस्त आपको क्या लेने देना, 5 अगस्त वो खत्म हो गया, वो दैट्स गॉन, वो कभी नहीं होगा। पर अगर आपको कश्मीर के चलते, आप मुझे एक बात ये समझ, ये लॉजिक क्या है कि कश्मीर के चक्कर में पूरे खुद के मुल्क को आपने आग लगा दी, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। पाकिस्तान रहेगा तो कश्मीर के बारे में लड़ेंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने बना ली शेर की सवारी कि अब वो उससे निकलना मुश्किल है, पूरे अब पाकिस्तान तो में कहर मचा रखा है, फंस चुका है पाकिस्तान बहुत तगड़े लेवल पे। दूसरी चीज ये है, अगर आप ग्रेड लिस्ट से बाहर भी आ गए, ठीक है ना, अगर आप ग्रेड लिस्ट से बाहर भी आ गए तो आपको क्या फायदा होगा। एक तिहाई मुल्क पानी के नीचे है, इकोनॉमी डूबी हुई है, लोन पे पूरी इकोनॉमी चल रही है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है ना। तो आरजू जी बताइए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जबरदस्त है, इमरान खान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो जलसे पे जलसा कर रहा है, वो डेली जलसा कर रहा है, उसका उसकी जिंदगी जलसा है। तो कहने की बात यह है कि जिंदगी जलसा, अगर मानिए कि मैं कह रहा हूं चलिए दूर हो गए अक्टूबर में, आप लोग आप ग्रेले से बाहर आ गए, फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि उससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी? प्रॉब्लम तो आपकी उतनी बड़ी है, 3-4 प्रॉब्लम आपकी रहेंगी और ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है 3-4 जो रहेंगी। देखिए एफएटीएफ से हट गए, माना कि हट गए, मैं कहता हूं हट गए, ठीक है, आपका करीब 10 साल का प्रोजेक्ट है, मिनिमम 10 इयर्स का, और करीब $50 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट है सिर्फ पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, राइट? नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब तक खान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा ये पीछे पड़े रहेगा, और जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया फिर ये पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएगा, अभी तो ऑपोजिशन के पीछे पड़ा हुआ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है आरजू जी, कोई नहीं है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स नेट को कैसे बड़ा करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट्स किस तरीके से कम करेंगे, देयर इज नो प्लान। यानी कि अब IMF से पैसे ले लिए $1.5 अरब, अब ये प्लान बन रहा होगा अगला कब लेना है, राइट? ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगे अगले। आप इसकी सिर्फ इसकी खुशी बनाना कि FATF से हम लोग निकल गए, आपके पास 4 समस्याएं और हैं, 4 बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर पे खड़ी हैं और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप इसको छोड़ दीजिए FATF ना, ये जो बाढ़ आई है आपके यहाँ, जो पानी आया है, जलजला आया है, इसके सामने FATF तो बच्चा है बिल्कुल, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग दैट हैज हैपेंड। जो पाकिस्तानियों को बहुत बोझ लग रहा था ना कि FATF बहुत कोई तीस मार खान है, वो इसके सामने तो बच्चा है, कुछ भी नहीं है। कितने अरब डॉलर चले जाएंगे, जानो माल का जो नुकसान हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो जाएगा, फिर चाइनीज आएंगे नहीं आएंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, 10-20 साल तक इसके साथ डील करना पड़ेगा। FATF इज वेरी स्मॉल थिंग आरजू जी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ, पाकिस्तान को रिलीफ तो मिलेगा अगर वो FATF में से निकल गया, ये भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा अगर हम ये ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं। भाई साहब पता है क्या, वो चाइना का बहुत सही बोला, वो तो भैया दोस्त नहीं है कभी किसी का, वो जमीन हथियाना चाहता है, बिजनेस करता है। आप देख लो ना कहाँ चाइना ने इतनी कुछ मदद करी, अब जाके उसके एक बैंक ने $700 मिलियन दिया है उनको, वो भी अपने हिसाब से कर्जे कुर्जे पे देता है वो तो। लेकिन इतनी बड़ी सिचुएशन से निकालने के लिए 700 मिलियन क्या ही है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। वो है ना कि वो कि दो बूंद पानी की पकड़ा दी, कह रहा प्यास बुझा ले। लेकिन फिर पता है पाकिस्तान भी तो, उन्होंने तो जितना दे दो वो गप। असल ने सही बात करी भैया, कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हम अपने घर में शेर है, दूसरे घर में घुस के कुछ कर नहीं रहे वहां पर, लेकिन हमारा आएंगे तो अपने आप ही वो रवैया चाहेगा, क्या हो गया कि अच्छा हम जा रहे हैं। वो बोला ना कि आप चाइना के लिए क्यों नहीं कहते कुछ, चाइना खुद ही चला जाता है, वो बॉर्डर पे थोड़ी बहुत नाका नाकी करते हैं, थोड़ी बन जाएंगे, दो डोज देते हैं उनको और फिर कहते हैं चलो जाओ बाय। और बाकी यहाँ से ना वो चीज बता दी ना, रोड मैप नहीं है इनके पास कि कैसे अपनी कंट्री को दोबारा रिवाइव करना है, ना कोई प्लान है कि सिर्फ टैक्स के मामले में से तेल बढ़ा देंगे, टैक्स गैस सिलेंडर बढ़ा दी, थोड़ा सा एक ना
इस तरीके से करना पड़ेगा कि कंपनियां आए, इन्वेस्ट करें, उन कंपनी से थोड़ा बहुत टैक्स लें, कलेक्टिवली कलेक्ट हो टैक्स अलग अलग सोर्सेज से, ताकि एक आम जनता पे भी बोझ ना पड़े। और ट्रेड खुद ही माथे में अपने पता ना कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं कि भैया सुबह उठेंगे आज कश्मीर का मुद्दा, अगले दिन ट्रेड बंद, अगले दिन इलेक्शन लड़ने, भैया अलग जोन चलता है। बाकी आई एम श्योर वीडियो देख के आपको काफी मजा आएगा क्योंकि सर की बातें बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। तो बाकी अगर आप और वीडियो शेयर करेंगे तो हम उन पर भी रिएक्ट करेंगे। कर दे वीडियो को लाइक जितना हो सके शेयर। बाय, टेक केयर।